देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी संगठन कहना ये तृणमूल कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से एक राष्ट्रवादी दल रहा है। आतंकवादी संगठन वो नहीं होता है जो आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर कठोर कार्यवाही करे। ममता दी क्या संदेश देना चाहती हैं? आज कांग्रेस पार्टी के साथ आप चुनाव के बाद बैठने वाली हो, वो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह के कलम को ही, देशद्रोह की दफा को ही संविधान से अंदर से निकालने की बात करती। आपने कोलकाता की रैली में फारूक अब्दुल्ला जी आपके मंच पर थे, वो कह रहे हैं देश में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे पर पहले ममता जी अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो अमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट कि कश्मीर के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए इससे सहमत है या नहीं। देशद्रोह की कलम हटाने का राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो की घोषणा है इससे ममता दीदी सहमत है या नहीं है। ममता दीदी धारा 370 हटाने के लिए सहमत है या नहीं है वो निर्णय करे। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया, दो केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तोयबा का कृत्य है, आज वो लोग कहां है? किसने छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया? इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है, ये देश की जनता जानना चाहती है। और ममता बनर्जी ने भी ये जवाब देना चाहिए।